मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल शहर के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोक समाधान केंद्र में आवेदकों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां लोग गड़बड़ी करेंगे वहां कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शहर का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले वे लोक सेवा केंद्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कोहेफिजा पहुंचे, जहां उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया। उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर वहां वस्तु स्थिति जानी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सेवक हैं पर एक्शन में जरूर है। जनता को सारी सुविधाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले, यही गुड गवर्नेंस है। इसलिए कभी कभी ऐसे घूम कर देखना चाहिए कि सब ठीक है या नहीं। उन्होंने कहा केवल भोपाल में ही नहीं, अब बाकी जगह भी विकास के काम को जाकर देखा जाएगा। उन्होंने कहा गरीब भाई अच्छे आवास में स्वच्छता के वातावरण में रहें, कार्य शीघ्र पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अब्बास नगर में मास्क भी बांटे। एक चीज जरूर मुझे यहाँ लगी कि आवेदन की प्रति अगर चाहिए तो उसकी कीमत 5 रुपया है, वो मुझे ज़्यादा लगी। और मैंने कलेक्टर को 40 रुपया तो शुल्क है, वो ठीक है। आवेदन की प्रति के 5 रुपया ज़्यादा है तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रति पेज तय कर दे। अगर एक पेज से ज़्यादा है तो 50 पैसे 1 रुपया जो भी उसकी लागत आती हो उसके हिसाब से तय करें। बाकी जितना रिकॉर्ड मैंने अभी तक चेक किया उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जिन लोगों से बात की उनने भी संतुष्टि देखी। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली करो का काम चल रहा है। पानी ट्रीट होने के बाद शुद्ध होकर पानी बड़े तालाब में जाएगा, जो स्लज निकलेगी उससे खाद बन जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।